कभी भी पुलिस को नहीं बुलाया गया, इनसे बड़ा झूठा व्यक्ति अल्पेश कुमार जी से बड़ा कोई झूठा व्यक्ति किसी ने नहीं देखा ना कोई जाना। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज वो मर्यादा की बात कर रहे हैं, स्पीकर की मर्यादा की बात कर रहे हैं, उन्हीं के मंत्री इसी सत्र में उंगली दिखा दिखा करके बहसबाजी करते हैं, तब तो मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगते, तब तो मर्यादा की बात नहीं। आप लोग सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से उनके ही मंत्री ने अध्यक्ष की तोहीन करने का काम किया, आसन की तोहीन करने का काम किया, तब भी जो है मुख्यमंत्री इस पे शर्मिंदगी जो है प्रकट नहीं कर पाए। आप देखिएगा कि जिस प्रकार से इस पूरे सत्र में धमकाने का काम किया गया विपक्षी नेताओं को मुख्यमंत्री द्वारा, बात बात पे आप बबूला होते रहे मुख्यमंत्री, देख लेंगे तुमको, धमकी देने का काम किया गया, आप सब लोगों ने इसको देखा, हम पे आरोप लगाए गए, हमको बोला गया कि हम देख लेंगे कार्रवाई करिए, हमारे साथियों को बोला गया कि हम देख लेंगे कार्रवाई कीजिए, माले के लोगों को बोला गया, माले के लोगों को तो ये बोला कि गलती से जीत के आ गए। क्या क्या मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में नहीं कहा जो आप सब लोगों ने इस सत्र में देखा, जितने भी तार्किक हमारे प्रश्न रहे हैं, कोई भी तार्किक जवाब पूरे सरकार ने मुख्यमंत्री सहित किसी भी प्रश्न का उत्तर उन्होंने नहीं देने का काम किया। और बहस का स्तर सरकार के मंत्रियों ने इतना गिरा दिया है जो आप सब लोग देख सकते, सारा ऑन रिकॉर्ड है, फुटेज है, सब कुछ है। जिस प्रकार से पूरे सदन में बंदूक के नोक पर जो बिल पेश कराया गया, उन अधिकारियों को नीतीश कुमार क्लीन चिट दे रहे हैं, यही कारण है कि कोई घटना होती है, कोई भ्रष्टाचार होता है, कोई बड़ा अपराध होता है, कोई पेपर लीक होता है, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री अधिकारियों को ही क्लीन चिट देने का काम करते हैं। इस वजह से अफसरशाही जो है पूरे बिहार में बढ़ी हुई है। जिस दिन एग्जिट पोल आना था, आया, उसके इनके ही खास खास अधिकारी जो थे, जो चहेते अधिकारी, हमको फोन करके क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं बताया गया। नीतीश कुमार जी तो पलटी मारते ही रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े पलटी बाज तो अधिकारी लोग होते हैं, और नीतीश जी तो अपने करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं। हमारे पास महिलाओं का चिल्ड्रन साड़ी खोलने का काम किया गया, घसीटा गया, सादे कपड़ों में नीतीश कुमार जी के पुलिसिया गुंडे सरकार से विधायकों को जूते मारने का काम किया, आप सब लोगों ने इसको देखने का काम किया, ये किसी से छुपा नहीं। महिलाओं का जिस प्रकार से साड़ी खुला, कई जो पत्रकार कैमरामैन थे उन्होंने मुंह टेकने का काम किया, लेकिन नीतीश जी ने कल सदन में उसकी कोई निंदा नहीं, बल्कि अधिकारियों को उन्होंने क्लीन चिट देने का काम किया। नीतीश जी से हम लोग पूछना चाहते, क्या ये सदन में किसी बिल का विरोध करना पहली बार हुआ है, क्या किसी अध्यक्ष के कक्ष को घेरना पहली बार हुआ है? लेकिन हाँ, ये जरूर पहली बार हुआ कि बंदूक के नोक पर पुलिस ने अपना ही एक्ट जो है वो पास कराने का काम किया। नीतीश जी को हम याद दिला दें कि इसी सदन में, बिहार विधानसभा के सदन में 1977 में अध्यक्ष की कुर्सी पर जो समाजवादी नेताएं थे, उस समय विधायक थे, जो वो आसन पर बैठ के
हाउस चलाने का काम किया गया था। आज से 46-47 साल पहले समाजवादियों ने आसन पर बैठ करके हाउस को चलाने का काम किया था। उस समय की सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किसी को बुलाया तो नहीं उठाने के। खुद कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में सशस्त्र बिल जो है वो लेकर के आए हैं। विपक्षियों के आपत्ति के बाद कर्पूरी ठाकुर जी ने उसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का काम किया। 1986 में आप लोग याद कीजिएगा, 1986 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी जो है वो हाउस के सदस्य थे और कर्पूरी ठाकुर जी उस समय मुख्यमंत्री रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे 1986 में। और HEC को लेकर के 3 दिन 3 रातों तक विधानसभा में ही धरना दिया और सोए। उस समय नीतीश कुमार जी खुद सदन के सदस्य थे। जब कर्पूरी जी 3 दिन तक लगातार सदन के अंदर वही फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर, ग्राउंड फ्लोर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।